एक और नए ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब कहानी कुछ ऐसी है कि मिर्च के लिए ड्रिप सिस्टम लगना स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट कैसे है, यहाँ की जगह जो आपको 3 नल दिख रहे हैं, ये 5 रुपये 10 रुपये के नल मिलते हैं शायद, ये और बढ़िया रहते हैं। ये रबड़ का टेफिड है, ये इस प्रकार का रबड़ लगता है यहाँ पे इसे, और उसके बाद फिर ये नल लगता है या फिर कवर लगता है। तो ये नल लगाने का ये फ़ायदा है कि आपको अगर एक लाइन में अगर खाद नहीं चलाना है, पानी नहीं चलाना है, अगर ओवर हो गया, नली फट गई, तो इसको आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। लेकिन ये जल्दी ख़राब भी होता है, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का लोगे तो चल जाएगा। जैसे ये बढ़िया क्वालिटी का था तो पूरे 8-9 महीने चल गया। अब यहाँ 3 इसलिए लगे हैं कि ये अलग जगह सिस्टम लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पर 3 लगे हैं। सिर्फ एक ही चलेगा, एक ही लगेगा। और थोड़ा सा और आगे दिखाता हूँ मैं आपको किस प्रकार से सिस्टम लगाया है, किस प्रकार से लग रहा है। अभी क्या है कि घास बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसकी कहानी कुछ अलग ही है। तो ये देखिए, ये प्लेन पाइप है पहले इस प्रकार का, ये 2 फीट का प्लेन पाइप लिया है ताकि अगर इसको ज़मीन में गड़ा दे तो भी यहाँ से आगे ये लग जाएगा। ये प्लेन पाइप लगता है क्योंकि इतनी जगह में क्या मिर्च तो लगती नहीं है, पूरा खाद वगैरह बेसिक ख़राब होता है यहाँ पर, तो इसलिए प्लेन पाइप लगा दिया। और ये कवर, ये इस प्रकार की नली आती है बिल्कुल प्लेन, इसको लगाते हैं। हाँ रवि पटेल, क्या कहानी है फिर आप? जॉइंट लगा रहे उधर पूरे लग गए लग रहे हैं? वाह यार, मतलब कल तक लग जाएंगे? वाह यार, अभी इधर कितनी लाइन लग गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 अभी से तो थी यार इधर बढ़िया। अभी इधर लास्ट की ये कहानी है कि यहाँ पे क्या होगा कि हाफ हाफ लाइन है, 3 लाइन है, आधी आधी है, तो इसमें क्या है कि टी लगा के एक ही लाइन से तीनों को अटैचमेंट दे दिया जाएगा ताकि तीनों में यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी हो जाए। वैसे इसमें क्या है, मिर्च लगने वाली नहीं है क्योंकि पड़ोसी महोदय जब 240 डालेंगे तो पूरी इधर मिर्च की लाइन पे आएगी, तो जिससे क्या है कि पूरी मिर्च साफ़ हो जाएगी, इसलिए इधर 2-3 लाइन लगाना नहीं है। और ये सागुन है साइड से, और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चाइना में घुसता हुआ, मेरे ख्याल से अगर सागुन नहीं होते तो थोड़ा सा और इधर करते 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 शायद, खैर छोड़ो ये बात, ये तो होता है, हर जगह होता है, कोई नई बात नहीं है, ऐसे ऐसे पड़ोसी सभी के पास है। पता नहीं खेत में कुछ होता है नहीं होता है, बट मेड़ में तो हो जाएगा भाई 100%। वैसे बेड देख के बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब इतनी मेहनत करी बेड बनाया तो बिल्कुल सीधे बेड बने यार, बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसे मिस्टर रवि बिल्कुल पूरी ताकत लगाते हुए जॉइंट को लगाने में, जॉइंट लगाने में मजा आता कि नहीं? मजा आ रहा है, ताकत लग रहा है भयंकर। तो यार ये इस प्रकार का जॉइंट रहता है ये, और इसको दोनों साइड से ऐसे बिठाना पड़ता है। अच्छा, एक जॉइंटर लगाने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट मात्र 10 मिनट लगते हैं एक जॉइंटर को लगाने में, और इसके बाद फिर इसमें तार भी तो बांधना पड़ेगा। तार अभी बाद में बांधेंगे, तार बाद में बांधेंगे। वैसे मिर्ची लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग सोचते हैं यार भयंकर मिर्च में खर्च लगेगा ऐसा वैसा, और होती कि नहीं होती, बाकी मिर्च लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार लगाओगे तो खुद समझ जाओगे। पहली बार तो तुम इतना खर्चा कर दोगे, इसलिए पहली बार अगर लगाओ ना तो जितना कम से कम लगाओ उतना बढ़िया है। कम से कम अगर शुरुआत करना हो तो 2000 या 4000 पेड़ से स्टार्ट करना।